गुरुदेव, कोई मुझे अपमानित करता है तो मेरा मन हिल जाता है, अपमान को भी मुस्कान के साथ कैसे ग्रहण करें? ओ, ये तो बात है भाई, ये हो नहीं पाएगा जब तक तुम्हारे मन विशाल ना होता। विशाल मन का अर्थ ही यही है कि जो हमें अपमानित कर रहा है उनको बच्चा मान लो, तुम उनसे बड़े समझ लो अपने आप को, उनको नादान मान लो ना जो आपको अपमानित कर रहा है, नादान है। अरे बच्चे कुछ भी चिल्लाते हैं, माँ उसके लिए फिक्र करती है क्या, उसको लेके माँ गुस्सा होती है क्या? नहीं, अरे बच्चा थोड़ी दिन के लिए ऐसे करता है, उद्दंडता, फिर ठीक हो जाएगा। जब ऐसे माँ देखती है बच्चों को, कैसे देख पाती है माँ? ये नहीं सोच अरे मेरे को अपमान कर दिया, नहीं, क्योंकि मन विशाल है। ऐसे जगत में तरह तरह के लोग हैं, अनजान लोग कुछ ऐसे अनजानी में अपमान कर रहे हैं, जानबूझ के अपमान कर रहे हैं तो वो बीमार लोग हैं। कोई अनजान में अपमान कर रहे हो तो वो अज्ञान से कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिक्र नहीं करना। कोई जानबूझ के करता हो तो वो भी अज्ञान से कर रहा है, तो उसके प्रति दुखी होने से हमें क्या मिलेगा? इसलिए हमें मुस्कुराना पड़ेगा कि अरे अज्ञानी है, अनजान से कर रहे हैं या बीमार है, मानसिक अस्वस्थता के कारण वो दूसरों को अपमान करता है। स्वस्थ व्यक्ति सबका सम्मान करता है, किसी का अपमान नहीं करेगा। स्वस्थ व्यक्ति सबको अपनाता है, किसी को अपने से दूर नहीं करता है। स्वस्थ व्यक्ति कोई भेदभाव नहीं करता है। स्वस्थ व्यक्ति सबको अपना समझता है, सबका सम्मान करता है, अपमानित नहीं करेगा। इतना समझ लो काफी है। अक्सर पता है क्या होता है, जो व्यक्ति किसी और को अपमानित करता है वो खुद को अपमानित कर रहा है। जब तुम उसके ओर में नहीं आते हो तो तुम खड़े हो, अच्छा क्या क्या कह सकते, तुम मुझे को गधे बोल रहे, अच्छा तुमको ऐसे दिख रहे, तुम्हें सबको तुम अपने जैसे देख रहे हो। अरे भाई जागो, हास्य रस आपके भीतर हो तो आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता। एक बात, विशाल मनोभावना आप में हो तो आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता। दूसरी बात, सबको अपनाने की कला आपको आती है तो भी कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता। और देह बुद्धि नहीं है आपको, अरे ये सब नश्वर है संसार, किसी की बातों में हम क्यों आ जाए। जो अपमानित करता है एक दिन दूसरे दिन सम्मानित करता है। अपमान सम्मान के उस शब्दों का खेल में हम नहीं पड़ते तो भी कोई आपको हिला नहीं सकता। इन सब का मूल है तो योगी बनो, ध्यानी बनो, ज्ञानी बनो, तब देखना इस सब खेल का भी तुम आनंद लोगे।